meeting you all guys. Since some of you all don't know me, don't have an idea about who am I. So basically I'm just a comm student like you all. I got 45 percentile in the last maze and I was not selected for the advanced. Last maze mein maine CCCC tick kar diya tha aur kisi tarah mere 45 percentile aaye the. I literally don't know anything aur is baar maine basic se shuru kiya, minus se shuru kiya. And just because people used to tell me तुम्हें बहुत जोश है, I got an idea to becoming on YouTube. तो अभी मैं कहाँ हूँ, अभी मैं मोशन कोटा में पढ़ता हूँ, अभी मैं अपने घर आया हुआ हूँ और मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जैसे पुलिस केस और डिप्रेशन. मैं जिस हिसाब से सोचा उस हिसाब से नहीं हो पाया. सो वेयर एम आई इन द करेंट स्टेज ऑफ माई प्रिपरेशन. मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं कौन कौन से चैप्टर्स कर रहा हूँ. मैं उतने ही चैप्टर्स किए हैं और उस बार मैं रुक गया हूँ बिकॉज आई एम नाउ प्रैक्टिसिंग. क्योंकि आज तक मैंने जेई का एक क्वेश्चन भी ढंग से नहीं बनाया था, तब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. ट्रस्ट मी, बहुत बहुत डिफिकल्टी हो रही है मेरे को क्योंकि ट्रॉपर्स में क्या होता है कि सब लोग का कुछ ना कुछ बनाया रहता है तो लोग को उतना हार्ड नहीं लगता. लेकिन मेरे लिए सब चीज़ नया नया है. जैसे जी ओ सी में मोशन में पढ़ता था तो सर से मैंने पूछा था, सर बेसिक से पढ़ रहा हूँ मेरे को समझ में आएगा ना, तो एकदम बेटा सब समझ में आएगा ऐसे करके बोला गया था मेरे को, जबकि मेरे को समझ में आ नहीं रहा था. एक टर्म को समझाने के लिए दूसरे टर्म का यूज़ किया जाता था और वो दूसरा टर्म क्या था वो तो सिर्फ उन्हीं को पता है जो 11 12 पढ़ कर आए हैं. तो चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसे हम लोग सुनते हैं. तो मैं उन्हीं चैप्टर्स पढ़ूँ. मैं फिजिक्स में मैंने कैपेसिटेंस तक किया, मैथ्स में ITF तक. उसके बाद तो खैर फिजिक्स में बस एक बड़ा चैप्टर बचा है, बाकी मॉडर्न तो उतना हार्ड है नहीं. और नहीं ऑप्टिक्स, क्योंकि ऑप्टिक्स को प्रैक्टिकलिटी में जोड़ सकते हैं हम लोग. और दो तीन दिन पहले मैंने टेस्ट दिया था, उसमें मेरे 28 मार्क्स आए थे और ये 28 मार्क्स मेरे ईमानदारी के हैं. पिछली बार की तरह लास्ट मंथ की तरह CCCC टिक नहीं किया. एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दिस बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ईमानदारी से सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा. एज यू ऑल नो मैं घर आया हूँ कोरोना में, तो घर में मेरा जियो फाइबर है नहीं और मैं लेक्चर्स देखता हूँ, इसलिए वीडियो अपलोड करने में थोड़ा डिले हो रहा है. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. नेक्स्ट पॉइंट, सब लोगों की एक लाइफ, सब लोगों का लाइफ का एक पार्ट होता है जो वो पब्लिक नहीं कर सकते हैं. आप लोगों में भी ऐसा आई एम श्योर होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर होगा. तो उसकी वजह से अभी टेंशन नहीं लेना. मेरे में बहुत टेंशन होता है, आप में भी. तो एक हिंट मैं देना चाहूँगा कि कुछ भी उस चीज़ को अभी पोस्टपोन करना है, क्योंकि एक बैड न्यूज़ है ये है कि अब रैंकर जी यहाँ पे चैनल, उसमें एक वो जो भैया हैं वो बता रहे थे कि जून 12 को एडवांस होने वाला था, पहले प्रपोज किया गया था, अब मे बी सितंबर तक हो मे बी. लोगों को अच्छा लगेगा ये सुनकर, मगर ये असल में एक बैड न्यूज़ है क्योंकि लास्ट टाइम किसी एक सेट में 250/99% आए थे. तो ऐसा ही कुछ अभी भी हो सकता है. तो ये असल में एक बैड न्यूज़ है. आप लोग अच्छा कर सकते हैं लेकिन आप लोगों के साथ और सारे बच्चे भी पढ़ेंगे. तो अभी इन सब चीज़ को आने वाले 3-4 महीने ज़रूर अवॉइड करें. तो मेरे 28 मार्क्स आए लास्ट टेस्ट में और मेरा फैमिली का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि मैक्सिमम लोगों को IIT और ITI के बीच में डिफरेंस नहीं पता. तो अब मेरे घर में जैसे जैसे IIT पास आने जा रहा है, अच्छे नए नए पकवान बन रहे हैं, नया नया सामान आ रहा है, क्योंकि उन्हें खुशी है कि बेटा IIT बनेगा. बट ये मैं उन्हें बोल नहीं सकता कि मेरे लिए भी उतना ही बड़ा चैलेंज है. तो जो एम रहता है तो बहुत सारे प्लान्स बनते हैं. मेरे पास भी एक प्लान है, मैं एक नया प्लान बनाया हूँ एंड आई एम गोना शेयर दैट प्लान विथ यू ऑल. व्हाट्स माय प्लान? तो मैंने अपने इंटायर सिलेबस को ऑर्गेनिक छोड़ के, मेरी ऑर्गेनिक कमज़ोर है, केमिस्ट्री में छोड़ रहा था, मगर एक मेरे दोस्त ने बताया व्हाट्सएप पर कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोर होता है. तो अब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहले पार्ट में बेसिक चैप्टर्स हैं, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर, एनर्जी. मैं यहाँ लगा दूंगा वर्क पावर सर्कुलर, इसमें रिडॉक्स है, मोल है, पीरियोडिक टेबल है, इसमें ट्रिगो क्वालिटी. पार्ट टू में रोटेशन, ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी, हीट, थर्मो, केमिकल काइनेटिक्स, सर्फेस केमिस्ट्री, ये सब एस ब्लॉक सॉल्यूशन, ज़्यादा केमिस्ट्री है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफ्रेंशिबिलिटी. पार्ट थ्री में थोड़े से हार्ड, जो मेरे जो हार्ड चैप्टर्स रखते हैं वो है, इसमें करेंट
वेव्स, सेमीकंडक्टर्स, केटीजी, सॉलिड स्टेट, मेटलर्जी, हाइड्रोजन पी ब्लॉक, पॉलीमर्स, मतलब कुछ कुछ ईजी चैप्टर्स भी मैंने इसमें डाले हैं ताकि मैं इसमें स्कोर कर पाऊँ। अब मैं मॉक टेस्ट दूंगा। मॉक टेस्ट कैसे दूंगा? मैं मेरा जो मोशन मॉड्यूल है उसमें सारा थ्योरी दिया हुआ है, फॉर्मूला सारा दिया हुआ है। मैं उनमें टॉपिक्स को पढ़ूंगा और उन टॉपिक्स का पढ़ के उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन बनाऊंगा, और हर 10 दिन पे टेस्ट दूंगा, पार्ट वाइज टेस्ट दूंगा। उन टेस्ट में अच्छा करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे पास इन पहले पार्ट में भी अच्छा स्कोर किया, दूसरे पार्ट में भी अच्छा स्कोर किया, और तीसरे पार्ट में भी, ओवरऑल जो जेई मेन में मिक्स आता है तो मैं अच्छा ही स्कोर करूंगा। और पहला पार्ट सारा बेसिक है, उसमें अच्छा स्कोर करूंगा तब पहली बात कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट होगा, और दूसरा पार्ट जो है वो सीखने के लिए पहले पार्ट का जरूरत पड़ता है। तो मैं इधर उसका फोटो लगा दूंगा। टेस्ट में एम क्या है मेरा, तो हर 10 दिन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं 20 मार्क्स बढ़ाने की ट्राई करूंगा। ज़्यादा नहीं, 20 मार्क्स मैं ज़रूर बढ़ा सकूंगा 10 दिन में, 20 मार्क्स, और एटलीस्ट 20 मार्क्स बढ़ाने का ट्राई करूंगा। अगर ऐसा होता है तो 20 जनवरी में यहाँ लगा दूंगा। 20 जनवरी को जो मैं टेस्ट देने वाला हूँ उसमें 50 मार्क्स मेरे आएंगे। अगर मैं कंसिस्टेंट रहा तो 30 को 70 मार्क्स आएंगे, 10 फेब को 90, ऐसे करते अगर मार्च लास्ट में भी होता है तो 30 मार्च तक 230 मार्क्स आ जाएंगे, और 20 मार्च तक 170 to 180 लाने का ट्राई करूँगा। ये बेयर मिनिमम गोल्स हैं, और मैक्सिमम तो मैक्सिमम बोल सकते हैं कि 3 पार्ट है, तो उसकी तीनों के लिए 10 10 दिन अगर मैं दे दिया अच्छे से, मैं पढ़ा कंसिस्टेंट रह के, तो 20th का जो टेस्ट है उसमें मैं 80 लाऊंगा, 30th के टेस्ट में उसमें और लगभग 80 70 मार्क्स ऐड कर दूँ, 150, और 10th का 200, ये मैक्सिमम है। तो रेंज इस और इसके बीच में रखना है, तो मैं सेफ साइड पर रहूँगा। एटलीस्ट फॉर स्टूडेंट लाइक मी दिस मस्ट बी इनफ। एक प्रो टिप है, गिव अ टेस्ट एवरी डे आफ्टर प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग 9 to 10 टॉपिक्स एंड एक्सपेक्ट एन इंक्रीमेंट ऑफ 2 क्वेश्चंस पर डे। अगर 9 से 10 टॉपिक आप नए पढ़ेंगे, नए सीखेंगे, आप सिंगेज रेफर कर सकते हैं जिसमें ऐसे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं और पी वाई क्यू हैं, क्वेश्चन हैं, मेरे पास मोशन का मॉड्यूल है। 9 से 10 टॉपिक और उसमें 1 से 2 क्वेश्चन का तो आप इंक्रीमेंट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गिव 2 टेस्ट बिफोर अ मेजर टेस्ट, 1 and 2 days बिफोर, एंड लीव क्वेश्चन ऑफ अदर 2 पार्ट। सिर्फ उस पार्ट का जो टेस्ट है ना, जो टेस्ट है उसके बाकी क्वेश्चन को छोड़कर सिर्फ उस पार्ट का क्वेश्चन बनाना, और उसमें लगभग 80 के अराउंड आपको एक्सपेक्ट करना है। 60 भी आते हैं तो कोई नहीं, चलेगा। तो अगर आप ऐसे करते हो तो तीनों टेस्ट में अगर 60 60 60 अगर आप ले आते हैं तो इट्स अ डिसेंट स्कोर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई प्रेफर नोट्स ओवर लेक्चर्स नाउ, क्योंकि लेक्चर्स कोई लेक्चर्स देखने में जैसे 15 लेक्चर्स हैं, समय 1.5 घंटे लगते हैं, तो 22.5 घंटे तो ऐसे ही हो गए। और उतना एक लेक्चर में अगर 4 पेज नोट लिखे जाते हैं तो उस नोट्स मैं आराम से 5 से 6 घंटे में कर सकता हूँ। तो दिस वॉज माई प्लान। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपका बहुत टाइम दे चुका हूँ। बस लास्ट पॉइंट, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि मैं अब घर जा रहा हूँ, उसी के नेक्स्ट डे कोचिंग बंद हो गए। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था, भाई बहुत सही टाइम पर जा रहे हो, कोचिंग्स बंद हो गई। तो या इट्स ओके, बट ड्रॉपर्स का अभी ऑनलाइन चल रहा है, कभी ऑफलाइन चल रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये भी आई थिंक अब बंद हो जाएगा, क्योंकि आज 2.7 लैक्स केसेस आएंगे हम, अब ये भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और बात रहा कब खुलेगा, तो फरवरी तो पूरा गया, आई थिंक मार्च मार्च में लास्ट में मे भी खुल सकता है। तो बस यही कहना है कि अभी बस फोकस होकर पढ़ें। जिनका होना होता है, जिनका नहीं होना होता है, वो 2 3 साल कोटा में पढ़कर भी उनका नहीं होता है, और जिनका होना होता है 3 महीने पढ़कर भी हो जाता है। सो यू आर द विनर, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।